सर ये गुलबर्गा ईएसआईसी हॉस्पिटल जो है जिस जगह मेडिकल डेंटल नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं और इसको मेंटेनेंस के लिए ईएसआई से बोर्ड से पैसे नहीं मिल रहे, इसीलिए ये दिन पे दिन जर्जर होते जा रही है। और दूसरी चीज, मैं यहाँ लेबर मिनिस्टर भी बैठे हैं भूपेंद्र यादव जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हर स्टेट में आप एम्स इंस्टीट्यूशंस खोल रहे हैं, तो ये जो बिल्डिंग ऑलरेडी रेडी है, 50 एकड़ सरकार ने जमीन दी है और लोगों के लिए तेलंगाना आंध्रा मराठवाड़ा और कर्नाटका हैदराबाद कर्नाटका बॉम्बे कर्नाटका इन सबको इससे फैसिलिटी मिलती है और उसी लिए तो सरकार ने संविधान को भी एक आर्टिकल 371J स्पेशल स्टेटस का वहाँ पर सरकार ने मंजूर भी अमेंडमेंट भी की है। तो इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूँगा आपके ओर से और आप भी जरा प्रेशर डालिए क्योंकि आप खुद देखे हैं, तो मैं उनसे अपील करूँगा कि इसको एम्स में लेकर जो आपकी मंशा है कि हर स्टेट में करने का, वैसा ही इसको एम्स में अगर लेंगे तो करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा। आज का मेरा विषय है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संबंध में। इसमें होता क्या है, इस योजना में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को केंद्र सरकार के द्वारा 5,000 की राशि मिलती है। जब महिला गर्भवती होती है तो पहले जांच के समय 1,000 मिलता है, फिर छठवें महीने में 2,000 मिलता है और फिर जब डिलीवरी होती है उस समय 2,000। इस तरह से कुल 5,000 राशि इस योजना के तहत मिलता है। हमारे पोद्दार साहब उस दिन कह रहे थे कि केंद्र की योजनाओं का आप लोग तारीफ नहीं करते। मैं तारीफ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तारीफ करूँ कैसे इस योजना के बारे में। आज तक के इस योजना में, अभी पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में आया था कि 51% से बढ़कर 58% लोगों को इस योजना का फायदा मिल रहा है, तो मेरा ये कहना है कि बाकी लोगों को क्यों इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसका कारण ये है कि इसमें इतना कठिन आवेदन को इतना कठिन कर दिए हैं, ऑनलाइन ये मिलता है और बहुत कठिन है उसकी प्रक्रिया, तो वो आवेदन को कंप्यूटर और नेट रिफ्यूज कर देते हैं और बहुत लंबी लंबी लाइन रहती है और मिलता नहीं है। डिलीवरी के बाद 2-2 साल तक बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद भी ये राशि मिलती नहीं। एक छत्तीसगढ़ राज्य बहुत छोटा राज्य है, वहाँ 21,000 केस लंबित है और एक छोटा जिला गरियाबंद, वहाँ 9,000 केस लंबित है। मैं चाहती हूँ कि उसकी प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाए। और दूसरा ये है कि अगर कोई महिला पहले महीने में गर्भवती हुई और उसको 1,000 मिला, उसके बाद कहीं उसका एबॉर्शन हो गया तो दूसरे बच्चे में उसको पैसा नहीं मिलेगा और उस समय भी उसके बाद की जो राशि है वो नहीं मिलती। मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह है कि कोई भी महिला जो गर्भवती होती है उसको अगर गर्भपात हो गया तो दूसरे बच्चे में उसका फायदा उसको मिलना चाहिए। एक ये संशोधन उसमें होना चाहिए और दूसरा जो आवेदन की प्रक्रिया है, जो 40-40 कालम आवेदन भरना पड़ता है, उस प्रक्रिया को सरलीकरण करें, तभी आपकी ये योजना सफल हो पाएगी। मैं निवेदन करती हूँ कि इस योजना को अगर सफल बनाना है, हमसे तारीफ सुनना है, तो ये दोनों उसमें संशोधन किया जाए। धन्यवाद देती हूँ, आपने महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में मनरेगा का मटेरियल पेमेंट नहीं हुआ है, 350 करोड़ आज तक भुगतान नहीं हुआ है और इसके साथ जो मनरेगा शाखा में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको करीब 20 करोड़ 3 महीने से उनका पेमेंट नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ जो भविष्य निधि है इसी के साथ साथ उनका भी पेमेंट नहीं हुआ है। महोदय, मनरेगा में अगस्त 2021 यानी 7 महीना से लेबर पेमेंट बिल एंट्री हो चुकी है, लेकिन केंद्र की गाइडलाइन के तहत मनरेगा के सिस्टम को रीट मॉडल पर अपडेट किया जा रहा है। यह सिस्टम
जब तक ठीक नहीं होगा तब तक केंद्र सरकार पेमेंट नहीं करेगी और राशि रिलीज करने का ट्रांसफर आर्डर नहीं हो पाएगा। अध्यक्ष महोदय, पुरानी भुगतान की प्रक्रिया में यदि बदलाव करना ही था तो सिस्टम को पहले ठीक करना था। कार्य में व्यवधान लाना कोई उचित बात नहीं है। भुगतान की रीट मॉडल अपडेट होता रहेगा, इससे गरीब मजदूर प्रभावित ना हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आपके माध्यम से निवेदन है सरकार को कि छत्तीसगढ़ का जो लेबर पेमेंट, मटेरियल पेमेंट बचा राशि 350 करोड़, और सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका 20 करोड़ का भुगतान हो, और सिस्टम को बदलाव करने की स्थिति आए तो पहले से ही इसका कार्य योजना बनना चाहिए। मैं बात करना चाहती हूँ इस सदन में जो सड़क पे जो बच्चे हैं उनके बारे में। सर, हम बड़े बड़े पुल बनाने में, बड़े बड़े सड़क बनाने में, बड़े बड़े मॉल बनाने में ये भूल गए हैं कि इन सड़कों पे जो बच्चे हैं वो सुबह कहाँ से आते हैं और रात को कहाँ चले जाते हैं। ये इनविजिबल जो फैक्टर हो गया है वो उसको मैं विजिबल बनाने के लिए इस सदन में एक अपील करने इस जीरो आवर में आई हूँ। सर, ये बच्चे आते हैं, गाड़ी रुकती है ट्रैफिक लाइट पर, हमारा कांच साफ करते हैं और अपेक्षा रहती है कि कुछ उनको मिल जाए। वो काम करने आते हैं, जो ये काम नहीं कर सकते, जिसमें थोड़ी खुमारी होती नहीं है, वो भीख मांगने लगते हैं। कोई ठेले पे काम करता है, पर ये बच्चे हैं, ये हमारे देश के स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, और ये स्ट्रीट चिल्ड्रन हर राज्य में है, हर शहर में है। सर, एक सुओमोटो पिटिशन हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बताया गया NCPCR ने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने, कि इस राज्य में इतने हैं, इस शहर में इतने हैं, पर इसका कोई क्या हल निकल सकता है वो नहीं बताया जा रहा है। सर, मैं इस सदन में सब पार्लियामेंटेरियंस को अपील कर रही हूँ, सरकार को बाद में करूँगी कि वो एक डेटा बनाए, क्योंकि इनका कोई डेटा कहीं नहीं है, सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। NGOs के पास है पर वो उसमें डिस्क्रिपेंसी है, और अगर ये डेटा होता है तो कोई एक एनलाइटन नागरिक इस डेटा का मदद लेके कुछ काम कर सकता है, तो सरकार इसका डेटा बनाए। पर सर, आप सभापति महोदय जी, आप खुद बहुत दयावान हैं, आप में करुणा मैंने देखी है। सर, मैं आपके जरिए से ये सदन में कहना चाहती हूँ कि हर पार्लियामेंटेरियन इससे जुड़ जाए। ये सड़क पे जो बच्चे हैं, जो सड़क को माता समझते हैं, सड़क को पिता समझते हैं, भाई बहन समझते हैं, सर वो बच्चों को हम रिहैबिलिटेट कैसे करें, उनको हम मेन स्ट्रीम में ला के हमारे बच्चों की तरह कैसे बात करें। तो हर पार्लियामेंटेरियन यहाँ से जुड़ जाए और ना तो इस पार्टी उस पार्टी की बात करे। सर, हम नागरिक है इस देश के, हम देश की तभी बात कर सकते हैं, इस राष्ट्र की तभी बात कर सकते हैं जो आगे नागरिक होने वाले हैं। ये हमारे बच्चे सर, वो कह नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो पिटीशन नहीं कर सकते, वो मंत्री को कागज नहीं दे सकते, वो यहाँ आके कुछ कह नहीं सकते, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है। सर, इनके लिए मैं आज खड़ी हुई हूँ कि इन बच्चों को देख के हमें हमेशा देख के लगना चाहिए कि ये वंचित है, मेरे बच्चों की तरह नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। सर, धन्यवाद, इस टॉपिक को बड़े सीरियसली लेना चाहिए हम सभी को, इसके लिए मैं ये उठाया है। Pain and sorrow, I would like to invite the attention of this august house through you, sir, an incident which happened today morning in Vijay Chowk. MP is there for an agitation, peaceful agitation. After I was invited to inaugurate that agitation, peacefully we have demonstrated. After the demonstration, when we are coming back to the parliament by walk, the police, Delhi police, jumped on the MPs. And they literally stopped and they manhandled, you including said, a woman MP, sir. You send sir, this is very bad. That's sir, why. What message we are giving that's to the country? That's why I'm othering you. Please send me an. MP is not having the freedom to walk to the parliament. How? You, Venugopal ji. Who will protect us, sir? You send me a detailed this thing. I'll find out from the Home Ministry and if necessary, we'll discuss that.